बायोसेंसर्स इन फूड पैकेजिंग। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में फूड पैकेजिंग को इस हद तक एडवांस कर दिया गया है कि इट कैन एक्ट एज ए बायोसेंसर। फर्स्ट वी विल लुक दैट व्हाट टाइप ऑफ फूड पैकेजिंग इज मोस्टली यूज। आजकल फूड पैकेजिंग में सिंथेटिक प्लास्टिक को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंथेटिक प्लास्टिक इज एक्चुअली पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस प्लास्टिक, फॉर एग्जाम्पल लो एंड हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन एंड पेट। दीज आर द कॉमन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक विच आर यूज फॉर द पैकेजिंग ऑफ फूड। पैकेजिंग को हम दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहली पैकेजिंग इज एक्टिव, दूसरी इज द सेकेंड इज पैसिव। एक्चुअली पैसिव पैकेजिंग इज द ट्रेडिशनल पैकेजिंग। इस पैकेजिंग में जैसा कि आमतौर पर किया जाता है, फूड को रैप किया गया, कवर किया गया, इट दे प्रोवाइड इट इंसुलेशन एंड ईज ऑफ हैंडलिंग एंड प्रोटेक्शन। सो ये तीन चार फंक्शन होते हैं पैकेजिंग के। बट इन केस ऑफ एक्टिव और फंक्शनल पैकेजिंग, इट कैन एक्ट एज इंटेलिजेंट पैकेजिंग और स्मार्ट पैकेजिंग। आजकल चूंकि ये नई नई डेवलपमेंट हो रही है, तो लिहाजा मुख्तलिफ किस्म के इनके लिए टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे एक्टिव कह रहे, कोई इंटेलिजेंट कह रहा है, कोई स्मार्ट कह रहा है। बट आई थिंक द मेन थिंग इज द फंक्शनल, दैट द पैकेजिंग इज फंक्शनल एंड इट फंक्शंस बेसिकली। यानी कि ये कोई फंक्शन परफॉर्म करती है, चाहे वो इंटेलिजेंटली हो, एक्टिवली हो या स्मार्टली हो। बहरहाल तो व्हाट आर द फंक्शंस और द ऑफ दिस फंक्शनल पैकेजिंग। पहला फंक्शन है कम्युनिकेशन, सेकेंड है डिटेक्शन, थर्ड इज रिकॉर्डिंग, फोर्थ इज ट्रेसिंग एंड फिफ्थ इज सेंसिंग। यानी कि जो भी फूड हमारे पैकेज के अंदर है, उसकी अगर कोई स्टेट में चेंज आ रही है, तो इट विल कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन, इट विल डिटेक्ट द चेंज, इट विल रिकॉर्ड द चेंज, इट विल ट्रेस द चेंज और इट विल सेंस इट और इफ पॉसिबल इट विल कंट्रोल इट। सो इसीलिए पैकेजिंग के लिए मुख्तलिफ किस्म के एक्टिव, फंक्शनल, इंटेलिजेंट, स्मार्ट लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, बट द मेन थिंग इज द पैकेजिंग इज फंक्शनल। अच्छा, अब अगर हम देखें पैकेजिंग बायोसेंसर के लिहाज से हमारे लेवल्स क्या हैं, बायोसेंसिंग के लिए हम क्या क्या उसमें से डिटरमिन करना चाहते हैं। अब तक जितना हमने नॉलेज पढ़ा है, उसके मुताबिक जो है ऑक्सीडेशन इज द वर्स्ट थिंग फॉर द पैक्ड फूड, सो वी मस्ट स्कैविंग द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर ऑक्सीजन उसके अंदर मौजूद है, तो वो हमारा फूड खराब हो जाएगा। हमें यकीनन ऑक्सीजन को डिटरमिन करने के लिए या उसके लेवल को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। सो वी मस्ट बी यूजिंग ऑक्सीजन स्कैवेंजर। द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज इथाइलीन। इथाइलीन इज ए प्लांट हार्मोन एंड इट इज इन्वॉल्व इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जितना ज्यादा इथाइलीन रिलीज होगा, उतनी ज्यादा फ्रूट या वेजिटेबल की एजिंग होगी और उतनी ज्यादा उसके रॉटन होने के चांसेस होंगे। तो इफ वी कैन कंट्रोल द लेवल ऑफ इथाइलीन और वी नो दैट व्हाट इज द लेवल ऑफ इथाइलीन, देन इट विल बी कन्वीनियंट फॉर अस इन द फूड इंडस्ट्री। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज, अगर हमारा फूड किसी माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से खराब हो गया, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो द एक्टिव पैकिंग और फंक्शनल पैकिंग और स्मार्ट पैकिंग मस्ट हैव समथिंग टू कंट्रोल द माइक्रोबियल एक्टिविटीज ऑफ द पैथोजन। सो व्हाट टाइप ऑफ केमिकल्स और मटीरियल्स वी कैन यूज। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वी विल स्टडी दी ऑक्सीजन स्कैवेंजर। इनमें आयरन बेस्ड मटेरियल हो सकते हैं, डिफरेंट मेटल्स हो सकती हैं, एसिड हो सकते हैं, मेटल कैटलिस्ट जैसे प्लेटिनम हो सकता है, एस्कॉर्बेट मेटालिक सॉल्ट हो सकते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स हो सकते हैं। इथाइलिन के लिए, इथाइलिन को स्कैवेंज करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड कार्बन और एक्टिवेटेड जियोलाइट कुड बी यूज। अच्छा, अब वंस वी हैव, हमें पता है कि हमने क्या इस्तेमाल करना है, बट हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट, हम इस पैकेजिंग में कैसे इस्तेमाल करें। देर आर थ्री अप्रोचेस, हम इसको तीन तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि यू यूज योर स्मॉल साचे एंड पुट द मटेरियल इन द स्मॉल साचे एंड स्टिक इट इनसाइड द पैकिंग, यानी कि पैकिंग के इनसाइड पे वो छोटा सा साचे लगा दे। दूसरा तरीका ये है कि आप उसकी वॉल पे जो है, पैकिंग की वॉल पे जो है, ये अपना मटीरियल लगा दे, दैट विल be able to tell us that what is happening inside the packaging. और third is ये तरीका है कि हम पूरी की पूरी उस जो हमने पॉलीमर या बनाया है उसके अंदर ही ये केमिकल्स उसमें एड कर दें। बहरहाल ये हमारे पास तीन अप्रोचेज हैं और
वॉट इज द फंक्शन, ये करेंगी क्या तीन अप्रोचेज, दे विल बी टेल अस अबाउट द इंटरनल एटमोस्फेयर ऑफ द फूड, यानी कि उस बॉक्स या पैकेजिंग का इंटरनल एटमोस्फेयर क्या है, क्या कोई चेंज आ रही है, अगर कोई चेंज आ रही है तो फौरी तौर पर हमें डिटेक्ट करके बताएंगे वो चेंज पीएच की है, ऑक्सीजन की है या कोई और चेंज है, और उसके अलावा जो उसकी सराउंडिंग्स है अगर उसमें कोई चेंज आ रही है तो देन दे विल ऑल्सो टेल अस आउटसाइड द पैकेजिंग. Now you can see in this slide, this is a functional packing. इस functional packing में हमने ethylene को, हमने ethylene scavenger use किए. Ethylene is a hormone that is involved in the ripening of this fruit. अब जितनी ज्यादा ethylene होगी उतना ज्यादा color change होता जाएगा. तो you can see, जू जू इसकी ethylene की amount बढ़ती जाती है, the color is changing. और जब color change होता है तो then you can realize that at what stage you want to eat the food. So basically functional packing ka kaam ye hai ki wo shelf life ko badhaye, sustain the quality, safety and retain the characteristics of the food. Yani ke in teen symbols ko dekh ke aur ethylene ki amount ko dekh ke ko determine karke hum is food ki quality ko determine kar sakte hain. So the other important thing is the use of metal chelating intelligent packing. Metals जो है मुख्तलिफ फूड में मौजूद होती है, मिसाल के तौर पर दूध में आमतौर पर आयरन एड कर दिया जाता है या फोर्टिफाइड एजेंट, या वैसे ही कोई मिनरल्स दूध में मौजूद होते हैं. इफ यू पैक द मिल्क, द मेटल्स, ट्रेस मेटल्स विच आर प्रेजेंट इन साइड द मिल्क और द फ्रूट जूस और वट एवर जो भी आप फूड पैक कर रहे हैं, तो वट विल हैपन दैट इट ए विल इफेक्ट ऑन दी एक्टिविटी ऑफ दी फूड. तो हमें उसके लिए ये करना है कि हमें उस मेटल को जो है किसी तरह कंट्रोल में करना है ताकि वो उसको ऑक्सीजन के साथ ना रिएक्ट करे. जब अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वॉट विल हैपन कि वो फूड स्पॉयल हो जाएगा. सो वॉट वी कैन डू इज ट्रांजिशन मेटल्स जो है बेसिकली, अगर आप केमिस्ट्री थोड़ी सी अपनी याद करें, they can be rather attached with the chelating agent. Chelating agent is for example ethylene, diamine, tetraacetic acid. ये एक ऐसा molecule है ये different metal ions के molecules को bind कर सकता है और it can act as a scavenger. If you put the scavenger molecule inside the packing, so it will react with the metals and pick them up. So the molecule, these metals will be separated or will be removed from the milk and the milk will have its long shelf life. In this slide I have shown the iron molecule in blue and ethylene diamine tetraacetic acid is also shown. Ethylene diamine tetraacetic acid is a versatile chelating agent. It can form 4 to 6 bond with a metal ion, yani ke it can remove the metal ion from the milk. So this is a packing. आम तौर पर packing की तीन layers होती हैं. So you can see all these three layers. So सबसे पहली layer जो है जो बाहर की तरफ की है, that is made up of polypropylene. उसके बाद there is a cellulose card और cellulose based material. और उसके अंदर की तरफ अगर आप देखें तो there is this inner layer is covered with a ट्रांजिशन मेटल चिलेटिंग एजेंट, यानी कि इथाइलिन डायमिन टेट्रा एसिटिक एसिड की बहुत ही कम अमाउंट इस पर इमोबिलाइज की गई है. इफ दिस फूड सैंपल कंटेन्स एनी हैवी मेटल्स और ट्रांजिशन मेटल, इट विल रिएक्ट विद दिस चिलेटिंग एजेंट एंड विल बी रिमूव्ड एंड इन दिस वे द फूड विल रिमेन सेफ. अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, माइक्रोबियल एक्टिविटी, कि माइक्रोब जो है हमारे फूड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. So how we are going to control the microbes? So the main thing is if we can put this antimicrobial activity in our the polymer. यानी कि polymer जो हमने बनाया या जो packing material है उसमें अगर हम antimicrobial activity का कोई chemical उसमें जो है add कर दें तो वो chemical slowly release होता रहेगा और उसके नतीजे में microbes जो है वो grow नहीं कर पाएंगे. For example, polymer was produced that was based on cellulose acetate, polyethylene glycol and cetyl trimethyl ammonium bromide. और इन कंपाउंड्स की बेस पर जब ये बनाया गया, एक पोलीमर बनाया गया और उस पोलीमर में फ्रूट्स को पैक किया गया. अब नाउ यू कैन सी इन दिस स्लाइड कि यहाँ पे दो तरह के पैकिंग मटेरियल दिखाए गए हैं.
एक में एक पैकिंग मटेरियल में एक वो पैकिंग मटेरियल दैट इज ट्रेडिशनल मटेरियल एंड द अदर इज द स्पेशलाइज्ड मटेरियल. जो ट्रेडिशनल या आम मटेरियल था उसमें फूड चंद ही दिन के बाद खराब हो गए, लेकिन द मटेरियल विच हैज गॉट द स्पेशल एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इन इट सो द फ्रूट्स आर स्टिल फ्रेश. सो दिस इज द थिंग दैट के हमने इसमें माइक्रोब्स को कंट्रोल कर लिया और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से जो है हमारे फ्रूट्स की शेल्फ लाइफ बढ़ गई. इसके अलावा हम ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के लिए और क्या कर सकते हैं. इफ देयर इज ऑक्सीजन प्रेजेंट इट विल रिएक्ट विद द फूड एंड व्हाट विल हैपन दैट इट विल बी स्पॉइल्ड. सो द मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग दिस इज अ लेटेस्ट अप्रोच. इसमें ऐसा किया जाता है कि वी यूज नाइट्रोजन, फूड ग्रेड नाइट्रोजन. जो फूड की पैकिंग है उनमें आप एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के बजाय या एटमोस्फेरिक एयर के बजाय हम उसमें नाइट्रोजन ऐड करते हैं. जब नाइट्रोजन वहां पे मौजूद होती है तो नाइट्रोजन के इट कैन इजीली डिस्प्लेस ऑक्सीजन. और क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, अगर कोई माइक्रोब मौजूद भी है तो इट वॉन्ट ग्रो अप. बेसिकली जो है उनकी जो है रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं होगी. अगली बात यह है कि जब ऑक्सीजन नहीं है तो नो ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस डिफ्यूजेस सो स्लोली. ये बहुत आहिस्ता से निकलता है. जैसे चिप्स के पैकेट हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग है उनमें नाइट्रोजन गैस मौजूद होती है और नाइट्रोजन गैस जब मौजूद है तो द फूड विल रिमेन फ्रेश. एंड दिस इज हाउ वी कैन नो इफ दैट फूड इज टेम्पर्ड और नॉट एट सम स्टेज. ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं कि हमने पैकिंग तो बना ली, अब हम कौन सा मटेरियल इसमें एंटी माइक्रोबियल ऐड करें जिससे जो है एक तो ये कि मटेरियल में ही प्रॉपर्टी ये क्वालिटी है कि वो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो कर रहा है. एक हम उसमें क्या कुछ और ऐड कर सकते हैं. यस, वी कैन ऐड एसेंशियल ऑयल्स. एसेंशियल ऑयल्स में ये प्रॉपर्टी है कि वो माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, दे हैव एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी. इसके लिए हम इथाइल विनाइल अल्कोहल को पोलीमर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. इट कैन इजीली अकोमोडेट एसेंशियल ऑयल्स एंड दीज एसेंशियल ऑयल्स आर स्लोली रिलीज्ड इनटू द फूड कंटेंट. और ये स्लोली रिलीज होते हैं और इसके नतीजे में अगर कोई माइक्रोब है भी तो दैट विल बी किल्ड. अनदर टाइप ऑफ मटेरियल दैट वी कैन यूज इज बीटा साइक्लोडेस्ट्रिन. इट इज यूज एज एन इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स. ये स्टार्च से बनाया जाता है एंड इट इज ए साइक्लिक कंपाउंड. इट इज जॉइंट बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट कैन इनकैप्सुलेट एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड इट इम्प्रूव द थर्मल स्टेबिलिटी एंड इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव द शेल्फ लाइफ ऑफ बीफ अप टू 4 डेज. यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा साइक्लोडेक्सिन. बीटा साइक्लोडेक्सिन की इसकी जो कैविटी है आउटर सर्फेस जो है दैट इज हाइड्रोफिलिक एंड द इंटरनल सर्फेस ऑफ द कैविटी is hydrophobic and that is very useful for as a packaging material. So with this we come to an end to the biosensor in food packaging. We have to discuss a few questions. The first is name different packaging materials. Second is what are the functions of packaging and what is the intelligent packaging. Give its features. के क्या फीचर्स हैं इंटेलिजेंट पैकेजिंग के. जितना हमने पढ़ा इसमें हर स्लाइड से एक ही दो दो पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे. और नेम डिफरेंट मटेरियल्स दैट आर यूज इन दी इंटेलिजेंट पैकेजिंग. इंटेलिजेंट है, फंक्शनल है, स्मार्ट है, एक्टिव है, सबके लिए एक ही लफ्ज है. अच्छा, व्हाट टाइप्स ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स कैन बी यूज इन पैकेजिंग एज फैसिलिटेटर. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, जैसे कि सेलुलोज को इस्तेमाल किया जा सकता है और डिफरेंट नेचुरल ऑयल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है. तो दैट इज हाउ वी कैन यूज डिफरेंट मटेरियल्स इन फूड पैकेजिंग.